काफी लोग मेरे पास में आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई हमारी हिम्मत टूट गई, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकअप हो गया, एग्जाम में फेल हो गए, धंधा चौपट हो गया और अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा, हिम्मत चौपट हो गई, चली गई हिम्मत, नो कॉन्फिडेंस एब्सोल्युटली। उस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ खो दिया, फिर हम क्या करते हैं और वहीं वहीं करेंगे, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और गड्ढे में जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको ऐसा कुछ होता है तो आपने क्या करना है, शांत बैठना है और पहले जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करना मतलब उसकी नोन लेना कि ठीक है ये ऐसा हो गया, लिखो कि मैं ये करना चाहता था मगर उसमें ये ब्रेकडाउन हुआ है। एक्नॉलेज करो तो करो और डिक्लेयर करो, लोगों को बोलो कि ब्रेकडाउन हुआ है, ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता था ये नहीं हो रहा है, इसमें एक कठिनाई आ रही है, डिक्लेयर द ब्रेकडाउन। ये पहली स्टेप है। बाद में आप क्या करो कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लिखो कि आपकी कौन सी ताकतें हैं, कौन सी ताकत है आपकी और आपके वीकनेसेस कौन से हैं, कमजोरियां क्या है आपकी और आपकी ताकत कौन सी है। वो लिखो कि भाई मेरी ताकत क्या है, कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ओके लिखो, कि मैं अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, अच्छा मैं लोगों से पैसा नहीं मांग सकता हूँ, लिखो मैं लोगों से पैसा नहीं मांग सकता हूँ, जो भी है वीकनेस। जैसे अपनी वीकनेसेस कमजोरियां और ताकत दोनों लिखना है। तो ये कर लिया। ये भी देखना है कि अभी जो मेरे सामने है वो कौन से मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, क्या मेरे सामने है अभी वो जो मैं करना चाहिए था वो है, संभव है। चलो वो भी लिखो कि अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने है कि वो अपॉर्चुनिटीज से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और उसमें क्या क्या थ्रेट्स हो सकते, धोखा कौन सा हो सकता है, क्या डेंजर हो सकता है, वो भी आपको लिखो कि भाई कॉम्पिटिशन हो सकती है, लोग बीच में टांग डाल सकते हैं, गवर्नमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो भी है वो लिखो वहाँ। तो ऐसा इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर नेक्स्ट देखना है कि भाई मेरा पैशन क्या है, ऐसा कौन सा काम है कि वो काम यदि मैं करता हूँ तो मुझे काम करने में बहुत मजा आ जाएगा, मैं खुशी से करूँगा। ऐसा कौन सा काम है कि जो काम करने के समय मैं खाना पीना सब भूल जाता हूँ, उसको बोलते हैं पैशन, थकता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, मजे लेता हूँ, खाना पीना भूल जाता हूँ, ऐसा कौन सा काम है, उसको बोलते हैं पैशनेट होना। तो वो पकड़ो, वो ख्याल रखो और वो जो पैशनेट जो काम है उसके ऊपर देखना है कि भाई क्या मैं इसके ऊपर और मास्टरी कर सकता हूँ, तो वो करो। या फिर मुझे जो करना था जिसमें ब्रेकडाउन आ गया, चलो उसको प्रेजेंट हो जाओ कि मेरा गोल ये है, मेरा उद्देश्य ये है, अभी मैं क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, मेरे पास में जो स्ट्रेंथ है उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मेरी जो कमजोरियां हैं वीकनेस उसको कैसे घटा सकता हूँ और मैं कैसे मास्टरी कर सकता हूँ जो मेरा पैशन है उसके ऊपर। तो फिर नेक्स्ट एक्शन आप क्या करोगे कि आप लिखोगे कि जो मुझे हासिल करना है उसमें मुझे कौन सी एक्शंस करनी है, कौन सी नई एक्शंस करनी है, कौन सी नई कृति करनी है जो मैंने अभी तक नहीं किया था, मैंने क्या क्या गलतियां किया वो लिखना है कि मैंने कौन सी गलतियां किया ताकि मैं दोबारा गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, दोबारा वही एक्शन नहीं लूंगा, क्योंकि रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसैनिटी। तो मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, नई एक्शंस क्या है वो देखूंगा और उसकी लिस्ट मैं बनाऊंगा। और वो आप लिस्ट बनाते हैं, अपने गोल्स को प्रेजेंट हो जाते हैं, एक्शन बना लिया और फिर वो एक्शंस के ऊपर मतलब लिस्ट बना लिया और वो लिस्ट की जो मतलब एक्शन की जो लिस्ट के ऊपर काम करना चालू करना है। एक्शन लेते रहो, एक्शन लेते रहो, जब एक्शन लेंगे तो फिर फेल होंगे, हो सकता है कि फेल होंगे, हो सकता है नहीं होंगे और सफलता मिलेगी। तो आपको वो करना है, नंबर एक कि डिक्लेयर द ब्रेकडाउन, आपको पहले ब्रेकडाउन डिक्लेयर करना है, फिर देखना है कि मेरी क्या क्या गलतियां हुई, फिर देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, ताकतें कौन सी है, शक्तिपीठ कौन सी मेरे, कमजोरियां कौन सी है, वीकनेसेस, मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी सामने है और क्या क्या थ्रेट्स है। वो करने के बाद में फिर मेरा पैशन क्या है और मैं कैसा पैशनेटली काम कोई भी कर सकता हूँ और उसके ऊपर सोचना है, उसके ऊपर मास्टरी कर सकता हूँ, जो मेरे वीकनेसेस है उसको हटा देना, जो मेरा पैशन है उसको बड़ा करना और फिर एक लिस्ट बनाना कि मुझे जो हासिल करना है वो हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे उसकी लिस्ट बनाओ। और एक बार लिस्ट बन गई कि वो लिस्ट पर एक्शन लेना चालू करो, कृति करना चालू करो। अल्टीमेटली क्या है कि हमारे दिमाग में ब्रेकडाउन आ गया कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है, नर्वसनेस आता है, बिल्कुल हाय राम क्या हो गया क्या नहीं, अभी तो बस गए काम से, कुछ होगा नहीं और एकदम आप घर जाके सो जाएंगे, ब्लैंकेट लेके चद्दर लेके सो जाएंगे, अभी कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा लगता है। कोई कोई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। मेरे जीवन में ऐसी एक प्रॉब्लम आया था, अभी ये वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम पे मैं बहुत नर्वस डाउन डिप्रेस हो गया। तो मेरे नाना जी थे, उनके शब्द अभी मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने उस समय बोला कि भाई यह दिन भी निकल जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं दिस टू शैल पास,
मतलब ये जो बुरा समय आया हुआ है, जो बुरा वक्त आया हुआ है, ये भी निकल जाएगा। और सच्ची वो निकल गया, क्योंकि कोई भी बुरा समय जो है वो ऐसा कोई टिकता नहीं है। बुरे के बाद में अच्छा आने वाला है, अच्छे के बाद में बुरा आने वाला है, साइकिल है। तो उसमें ना सो जाना है, ना डिप्रेस होना है, ना सुसाइड करना है, ना विचार भी लाना है, मगर फिर से ओम श्री गणेशा करके फिर उसको प्रेजेंट होके नए सिरे से एक्शन लेना चालू करना है। तो हिम्मत टूटे तब क्या करना है, नई एक्शंस, नया जोश, नया जुनून, नया उत्साह, उसके साथ में काम को लगना है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।